तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्री फायर में डॉलर को कैसे रुपीस करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखो, मैं टॉप अप के सेक्शन पे जैसे यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर जितने भी डायमंड का जो पैकेज है, जो प्राइस है, वो सभी का सभी यहाँ पर डॉलर पे शो रहा है। यहाँ पर देखो इंडियन करेंसी नहीं है, जो कि अपना रुपीज रहता है वो नहीं है, यहाँ पर डॉलर दिखा रहा है, USD करेंसी जो कि अमेरिका का है। तो वैसे में अगर टॉप अप करने के लिए जाते हो तो टॉप अप स्टार्ट हो भी जाता है तो बाद में फेल्ड हो जाता है, और बहुत सारे बंदे का तो बीच में ही इरर आ जाता है, टॉपअप होता ही नहीं है। तो अलग अलग टाइप के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप भी डॉलर का जो करेंसी है उसको आप रुपीस में कन्वर्ट करके टॉपअप करना चाहते हो फ्री फायर में, तो इस वीडियो को देखते रहो, आपको मैं बताऊंगा कैसे इसे बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और सच में बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो चलो अभी हम सबसे पहले शॉर्टली जान लेते हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्यों होती है, कैसे होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्री फायर इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, मतलब हर एक सर्वर में है, ग्लोबल पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है। तो वैसे में फ्री फायर डिटेक्ट करता है कि आप किस देश में हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करेंसी शो करता है। मतलब अभी जो करेंसी यहाँ पर शो हो रहा है ये एक अमेरिका का है USD डॉलर, लेकिन अपना जो देश का है मतलब इंडिया का है वो यहाँ पर रुपीज होना चाहिए, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो कि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। और ये जो पेमेंट का प्रोसेस होता है, पेमेंट का मेथड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी लिखा हुआ आएगा गूगल प्ले, यहाँ पर देखना ऊपर के साइड लिखा हुआ आता है। मतलब फ्री फायर के पास पेमेंट करने का ऐसा कोई पहले से मेथड नहीं होता, वो गूगल के थ्रू ही पेमेंट करता है, ऑनलाइन मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, जो कि उनके देश में जाता है, जिस देश में फ्री फायर बना है वहाँ पर जाकर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर में लिखा हुआ है गूगल प्ले, तो गूगल प्ले यानी कि गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही दूसरे देश में पेमेंट हो पाता है। तो इसी के वजह से मतलब सर्वर जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आप किस कंट्री में हो, इसी वजह से कभी अमेरिका हो जाता है तो कुछ और हो जाता है, ऐसा जहाँ तक मेरा सोच है ऐसा ही शायद कुछ होता होगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो सर्वर है वो शायद इंडिया नहीं शो करने के बजाय अमेरिका शो करता है। तो चलो अभी हम जानते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए आपको अपने डिवाइस के होम स्क्रीन पे आ जाना है, जहां पर सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं। तो अभी यहां पर मैं होम स्क्रीन पे आ जाता हूं। तो ये जो है ये पीसी है, एमुलेटर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम फंक्शन इसमें भी वैसा ही रहता है पूरा। यहां पर देखो सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो वैसे आपके डिवाइस के होम स्क्रीन पे आना, प्ले स्टोर इंस्टॉल रहेगा, फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल रहेगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को लॉन्ग टैप करना, यानी कि लंबे समय तक प्रेस करके रखना, दबा के रखना। यहाँ पर आ जाएगा ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, इसके अंदर जाना और यहाँ पर आपको सिंपली कर लेना इसे फोर स्टॉप। फोर स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके बाद आपको सिंपली स्टोरेज पे चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्लियर डेटा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्लियर डेटा कर लेना, और अगर ये मिनिमाइज में रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, तो इसको हटा लेना। और अभी यहाँ पर देखो फ्री फायर मैक्स बैकग्राउंड में है, तो इसको भी हटा देना। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा रिसेंट पूरा क्लोज होना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स में भी सेम प्रोसेस करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना और यहाँ पर आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, फोर स्टॉप करना। और याद रखें कि स्टोरेज पे आपको क्लियर डेटा नहीं करना है, उससे फ्री फायर का जो डेटा है वो पूरा डिलीट हो जाता है, तो आपको क्लियर कैचेस बस करना है और उसके बाद बस आपको इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपको वापस से गेम को ओपन करना है। अभी मैं फिर से आपको फ्री फायर मैक्स को ओपन करके दिखाता हूँ, और याद रखना कि फ्री फायर मैक्स में ही टॉपअप करने का कोशिश करना, क्योंकि अभी देखो अभी फ्री फायर जो है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, आपको पता होगा रिमूव हो चुका है, और प्ले स्टोर के जरिए ही फ्री फायर में टॉपअप होता है। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्ले स्टोर के मैथड के जरिए ही होता है, फ्री फायर में ऐसा कोई मैथड नहीं होता। तो अब प्ले स्टोर में ही नहीं है तो यार होगा कैसे, टॉपअप हो ही नहीं सकता, तो आपको फ्री फायर मैक्स इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पर अभी हम चलते हैं भाई टॉपअप वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर यार ये बार बार इवेंट आ जा रहा है। और यहाँ पर देखो जितने भी यहाँ पर डायमंड के प्राइस थे, जो डायमंड का पैकेज का प्राइस था, वो सभी का सभी यहाँ पर रुपीज़ में शो होने लगा, और इसको मैं अभी टॉपअप भी कर सकता हूँ यहाँ पर देखो। और अगर आप स्पेशल एयर ड्रॉप में ऐसा देख रहे हो कि उसमें कहीं ऐसा आ रहा है, तो वो भी यही प्रॉब्लम है, स्पेशल एयर ड्रॉप में आ रहा है, तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद डॉलर जो है वो रुपीज़ में शो होने लगेगा, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे बंदे होते हैं जिनका प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता, चाहे कुछ भी कर लो। तो उसके लिए आपको मैं और भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ऐसे में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये नेटवर्क का इश्यू हो, यानी कि आप जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, जो भी इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, उसी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जिसके वजह से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आप इंडिया के हो। तो वैसे मैं आपको क्या करना है, अगर एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो थोड़े देर के लिए आप आइडिया का सिम लगा लो, बस टॉप अप करने के टाइम तक, मतलब कोई दूसरा सिम जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हो शायद उसी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो उसके नेटवर्क में। बहुत बार ऐसा होता था, एक टाइम एयरटेल में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेंज करो या फिर वाईफाई ले लो किसी दूसरे बंदे के फ़ोन से। लेकिन आपको इस बात
का भी ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरे फोन से वाईफाई ले रहे हो तो कहीं उसके फोन में भी वही सिम तो नहीं लगा है जो सिम आप यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, मान लो एयरटेल में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपके घर जो वाईफाई लगा है वो भी कहीं एयरटेल का तो नहीं है, तो आपको कोई दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट करना है जो भी आप अभी नेटवर्क यूज कर रहे हो उससे डिफरेंट। और अगर आप नेटवर्क को चेंज करते हो तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको प्ले स्टोर का क्लियर डेटा कर लेना है एक बार, और अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना और फ्री फायर को भी फोर स्टॉप कर लेना, उसके बाद ही आपको ओपन करना है। अब अगर मान लो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको मैं लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन बता देता हूं, इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको वापस से आना है होम स्क्रीन पे और आपको फ्री फायर मैक्स को लॉन्ग टैप करना, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना और इसे फोर स्टॉप करना और इसका जो डेटा होता है उसको पूरा क्लियर कर लेना। क्लियर डेटा करने से इसका जो एक्सपेंशन पैक होता है जिसे कॉस्ट्यूम पैक बोलते हैं, कलेक्शन पैक बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो रहता है आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, अरे यार ये रिस्टार हो गया, तो वहाँ पर जो एक्सपेंशन पैक होता है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, उसको आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा 1 GB का, और आपका जो आईडी रहता है वो भी लॉग आउट हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो कस्टम HUD है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो वैसे मैं आपको उसको पहले अपने आईडी में अपलोड कर लेना है फिर जाके क्लियर डेटा करना, तो क्लियर डेटा करने के बाद 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ऐसे में भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर इसका एक ही रीज़न है, वो है फ्री फायर के सर्वर में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी गाइस आप सभी को मैंने बता दिया फ्री फायर के डॉलर के प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे रुपीज में सो करके टॉप अप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगर और भी ऐसे फ्री फायर के अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।